जो खिलाड़ियों के सहयोग और साथ का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली इकाई आपका भी यहाँ पर पूरी टीम के साथ स्वागत करते हैं। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आज पहलवानों के प्रदर्शन का 14वां दिन हो गया है, 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। आज यहाँ किसान संगठन और खाप सदस्य जो हैं वो यहाँ पर आने का ऐलान किया गया था। भारी संख्या में किसान भी यहाँ पर जुटे हुए हैं और खाप के नेता जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। ऐलान किया गया है कि आने वाली 16 मई को अलग अलग राज्यों से जो खाप के सदस्य हैं वो दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुँचेंगे इस आंदोलन को आगे लेकर जाने के लिए। राकेश टिकैत भी यहाँ मौजूद थे, पहलवानों ने भी जहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको संबोधित किया। साक्षी मलिक ने, विनेश फोगाट ने यहाँ पर आए लोगों का शुक्रिया अदा किया। क्या इस समय पर माहौल है जंतर मंतर में, 2 हफ्ते बाद कैसे आज तक ब्रजभूषण पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना उनको नोटिस दिया गया है ना उनको बुलाया गया है, ये सब जानने के लिए देखिए न्यूज क्लिक की ये खास रिपोर्ट। 16 तारीख को हरियाणा प्रदेश की सभी खापे बहादुरगढ़ के ऊपर पहुंचेगी पैदल जत्थे लेकर के। 16 तारीख को ही उत्तर प्रदेश की खापे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगी सभी खापे पैदल जत्थे लेकर के। पलवल को राजस्थान की खापे सारी की सारी मथुरा रोड से होते हुए आप दिल्ली में एंट्री करेंगे 16 तारीख को ही। असि अज जिहड़ी बेटी नाल अत्याचार होया है असि ओहदे संबंध च आए हां। जो भी ये अत्याचार दा भागीदार है ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਏ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਰੇਲ ਕੀ ਪਟੜੀ ਪੇ ਕੋ ਨਾਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਊ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਠਾ ਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਤੀ ਬੜਾ ਇਸ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਇਤੀ ਇਤਨਾ ਗਿਰੋ ਨੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂ ਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਤੋ ਇਸਕਾ ਚਮਚਾ ਹੈ ਭਈਆ, ਇਸਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਜਬ ਫੋਟੋ ਜੀਬੀ ਕੋ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਤਾ ਹੈ और कहता है विनेश बेटी तो हमारी बेटी है, घर पे आना, पिताजी को भी लाना, सबको साथ लाना, कोई बात हो तो मुझे बताना। आज 14-15 दिन से वही बेटी उसके घर के बराबर में बैठी है और न्याय मांग रही है। क्या मोदी जी को अब दिखाई नहीं देता? क्यों आए? क्योंकि ये तो सबने दिखा है, एक गुंगी बैरी सरकार ने तो देख नहीं रहा। जो आज बैठी है हमारी बहू बेटी रोडा के ऊपर बैठी है, सबने देख रहा है, बच्चा बच्चा अगर तल गिड़ रहा है भाई बेटियां तैयार आज हम इंसाफ दिवान आए हैं। हमारी बहू बेटी की लड़ाई होया करती तो मानस समझा करता उसका दर्द। अरे यार सरकार गूंगी बैरी, ये तो राक्षस है, कोई सरकार को नहीं। इनती मंत्री नु कह दे भाई मंत्री है, मंत्री कौन कह दे इनती मंत्री है भाई? मंत्री मामने बनाए थे जब यहाँ गद्दी में बैठे थे, और आज हमारा दुख नहीं समझ रहे, एक बेटी की दर्द नहीं समझ रही भाई, बेटी की क्या इज्जत है तो ये और की समझेंगे। तो आज जो यहाँ पर आए हैं तो उसके बाद क्या फैसला हुआ, उसके बाद पिछले 3 दिन में क्या हुआ थोड़ा उसको? पिछले 3 दिन में ये हुआ है कि पूरे देश में एक रोष पैदा हो गया और भारत की छवि देश और विदेश में शर्म के वजह से भारत का सर झुक गया कि जिस देश के अंदर भारत की उन बेटियों का सम्मान नहीं हो सकता, अपमान होता हो, जो वर्ल्ड लेवल में भारत का तिरंगा लहराती हो, जब उनको न्याय नहीं मिलेगा तो भारत के अंदर आम नागरिक को कैसे न्याय मिलेगा? आज 14 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है कानूनी, ना कोई नोटिस गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, ना उनपे अरेस्ट करने की बात कही गई, तो क्या रणनीति? आज फैसला लेंगे, अभी अभी यहाँ फैसला लेंगे और उसके बाद में फिर बताएंगे, ये लंबा चलेगा अभी। और क्या रहेगी 16 तारीख को सब सारी खाप यहाँ पर आने वाली है और फैसला भी बात जाए? अभी तय करेंगे और उसके बाद में फिर बताएंगे कि कैसे रूटीन में चलना है। इसको जाट और ठाकुर के विरुद्ध भी बताया जा रहा है, राइट विंग के लोग काफी ज्यादा इस पर कह रहे हैं कि तो सिर्फ जाट लोग हैं यहाँ पर और कोई नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमें तो जातियों का पता नहीं, हम तो जातियों का पता नहीं हमें तो। और ये इसको किसान आंदोलन पार्ट 2 भी कहा जा रहा है, क्या उसी तरह की रणनीति रहेगी, उतने ही लंबे समय तक? इसे खाप पंचायत चलाओगी या इनकी कील काटेगी खाप पंचायत? हाँ, भुखे थे अज भी साड़ा कोई चौ नहीं, सानू धुप्पे बैठन दा, सानू ऐ हो रहा है भी चल कोई बैठा पर कुड़ियां दा काम बनना चाहिए साड़ियां दा।
देखो ये 16 तारीख को जो कॉल दी है कि बड़ी तादाद में जो सिंघू बॉर्डर से जो ये जत्थे रवाना होंगे और इस जंतर मंतर में पहुंचेंगे, ये बहुत ही बढ़िया पैदल आएंगे वहां से, तो बहुत ही बढ़िया उपराला है, सबको इसमें साथ देना चाहिए। हम भी बोलते हैं कि हमारे जैसे बाबा राजा राज जी ने बोला है कि अगर हाँ आपको हमारी ऐसी ज़रूरत पड़ी को कल को हम अपने घोड़े लेकर के यहाँ पे जो खालसा दल की फौजें हैं वो लेकर भी यहाँ में पहुँचेंगे और आपका साथ देंगे, अगर हमारी गर्दनें भी कट जाएंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अपनी बहनों की राखी करने के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्हें जरूर गिरफ्तार करना चाहिए महिलाओं के नाल ताकि अगे वास्ते यही जी सोच घटिया सोच ना रख सके, बस असी यही आया जे वो गिरफ्तार ना करे तो असं इत्थे बैठे हाँ, इत्थे बैठे रहेंगे।